आपने हमें जवाब नहीं दिया। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते शहंशाह। लेकिन अगर शौहर सवाल करे तो बेगम को जवाब देना चाहिए। आप हमारे शौहर हैं, इस बात का जवाब देना जायज नहीं, लेकिन हाँ। तो फिर हमसे निकाह क्यों कबूल किया आपने? हमने आपसे निकाह किया आपके और रहीम की हिफाजत के लिए, आपकी सरपरस्ती के लिए, लेकिन आज तक आपके ख्वाब का हमें आए भी नहीं क्या आप हमारे अतालिक मरहूम खान बाबा की बीवी थी। लेकिन फिर भी हमारे नजदीक आने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा क्यों? आप अब हमारे शौहर हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना हमारा फर्ज है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। कुछ जानना था, जान गए। इस गुस्ताखी के लिए माफ कीजिएगा। आप पहले भी खान बाबा की अमानत थी, अब भी हैं, हमेशा रहेंगे। हम अब भी कुछ नहीं समझे शहंशाह। बस इतना समझ लीजिए कि किसी ने बेजा इल्जाम लगाकर आपको फांसने की कोशिश की और नाकाम रहा। इंसान से एक बार गलती हो सकती है, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराने वाला अहमक होता है, और हम अहमक नहीं हैं। जो गलती हमने जोधा बेगम के साथ की उसे आपके साथ नहीं दोहराएंगे। जिसने पहले जोधा बेगम को फंसाया उसने अब आपको शिकार बनाने की कोशिश की और नाकाम रहा। बहुत चातर है वो, पर बच नहीं पाएगा। जिसने हमारे होने वाले बच्चे का कत्ल किया है हम उसका पता जरूर लगाएंगे। दिमाग खराब हो गया है आदम आपका? किसका तो बेहुदा बात कर रहे हैं आप हमसे? आपको क्या लगता है कि ये बात जताने के लिए कि हम जलाल से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं हम इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे? ये ख्यालात रखते हैं आप अपने वालिदा के बारे में? आदम, हमने जलाल को जन्म नहीं दिया है, लेकिन अपना दूध पिलाया है जलाल, और उसके बच्चे को उसे छीनना यह हमारी मोहब्बत की, हमारी कुर्बानी की और हमारी वफादारी की तौहीन है आदम। फर्क है आप में और जलाल, पता है क्या? आपने आपने हम पर शक किया, लेकिन वो जलाल है, उसको अगर हमारे खिलाफ सबूत में मिला ना आदम, तो भी वो हमसे इस कदर बात नहीं कर, हमारा खून है आप आदम, आपने अब जाइए आदम। आदम, हमारा साया भी नहीं जानता कि हकीकत क्या है, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हम आपसे मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा हम अपने बेटे को चाहते हैं, जलाल को नहीं। लेकिन आपको कैसे समझाए? जो हमारा साया भी नहीं जानता। लगता है उस जलाल को दूध पिलाते पिलाते
आप अपना खून का रिश्ता भूल गई है अम्मी जान। जाइए और जलाल के होने वाले बारिश को दुआ दीजिए ताकि वो पैदा हो, बड़ा हो, जंग लड़े, गाजी बने और एक दिन आगरा के तख्त पर बैठे। हम उसे आदाब आदाब करते पूरे हो जाए अम्मी जान। जाइए। को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, महाम अंगा ही है। क्या सोच रही हैं जोधा? अब तो आप दोष मुक्त हैं और चारों भाई साहब को भी आजाद कर दिया गया है। फिर हम सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि शहंशाह ने हम पर से सारे आरोप हटा दिए। मोती, हम शहंशाह से बात करने गए थे। अब तुम ही बताओ, हम ठीक सोच रहे हैं या नहीं? ठीक ही सोच रही हो। अवश्य रुकैया बेगम अपराधी तक पहुंच गई होंगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बचाया। परंतु हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि रुकैया बेगम ने शहंशाह से अकेले में जाकर बात क्यों की? वो ये क्यों चाहती हैं कि अपराधी का नाम तुम्हारे सामने ना आए? यही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर बात है क्या। हमें जाना होगा। जोधा, इतनी रात में कहाँ? रुकैया बेगम से मिलने। जोधा, अब तो तुम्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है। अपराधी कोई भी हो, अब क्या करना? शहंशाह ने हम पर कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि अपनी कमजोरी का ही सबूत दिया है। रुकैया बेगम ने कहा है कि हम बेकसूर हैं, परंतु इससे हमें मुक्ति नहीं मिलती है मोती, क्योंकि जब तक इस शंका का समाधान नहीं हो जाता हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। हमें रुकैया बेगम से मिलने जाना ही होगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, वजीरे आलिया महामंगा आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। उन्हें अदब के साथ यहाँ लाया जाए। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हमने कितनी बार आपसे कहा है बड़ी अम्मी, हमें शहंशाह कहने का तकल्लुफ सिर्फ दीवाने खास तक सीमित रखे। फिलहाल हम आपके बेटे हैं और आप हमारी बड़ी अम्मी। एक बेटे से उसकी बड़ी अम्मी क्या कहना चाहती हैं? यही कि आपने बेगम जोधा को नजर कैद से आजाद क्यों कर दिया? क्योंकि वो बेकसूर है। ये जानते हुए भी कि वो धतुरे कार कामिर से आया था, आप ये मानते हैं कि बेगम जोधा बेकसूर है? जी बड़ी अम्मी, क्योंकि हमारे हाथों एक ऐसा सबूत लगा है जो ये साबित करता है कि जोधा बेगम बेकसूर है। साबित होता है कि उन्होंने हमारे होने वाले वारिस का कत्ल करने की साजिश नहीं की। कैसा सबूत? हमारे कहने का मतलब है जलाल, हम वजीरे आलिया है, हमें भी तो जानकारी होनी चाहिए ना सुराग के बारे में। हाँ, अगर हमें सुराग के बारे में पता चले तो हो सकता है असली कातिल को पकड़ने के लिए हम आपकी कुछ मदद कर सके। बड़ी अम्मी, हमने सोचा था कि हम सल्तनत के किसी भी अहदेदार को इस राज में शामिल नहीं करेंगे, वजीर आलिया को भी नहीं। पर फिर आप उनसे अलग हैं, आप हमारी बड़ी अम्मी हैं, हम आपको इस राज में शामिल कर सकते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।